नमस्कार और आप देख रहे हैं WWE न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल। तो गाइज, अब जॉन सीना ने अपने दुश्मन ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है, जो कि एक तरह से रोमन रेंस की काबिलियत को बयां करता है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को लेकर बात करने वाले हैं कि जॉन सीना ने रोमन रेंस को लेकर ऐसा कौन सा बयान दिया है जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वाकई जॉन सीना भी अब रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हैं। तो वीडियो होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग, इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसे कि जॉन सीना समर ऑफ सीना के लिए वापस आए और उनकी शानदार स्टोरी लाइन ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के साथ देखने को मिली थी और इनके बीच समर स्लैम 2021 में बेहद शानदार मुकाबला देखने को मिला था, जहां पर रोमन रेंस ने जॉन सीना को हराते हुए WWE में अपनी बादशाहत को कायम रखा और इन दोनों की दुश्मनी को WWE में काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया गया। लेकिन अब जॉन सीना ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रोमन रेंस को लेकर एक पोस्ट की है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि रोमन रेंस इज रिपोर्टेडली द मोस्ट पॉपुलर विलन इन WWE हिस्ट्री, यानी रोमन रेंस कथित तौर पर WWE इतिहास के सबसे लोकप्रिय विलन है। जॉन सीना के अनुसार रोमन रेंस को हील कैरेक्टर में जितनी लोकप्रियता मिली है उतनी आज तक WWE के इतिहास में किसी और को नहीं मिली। तो यहाँ पर जॉन सीना का यह बयान वाकई दिखाता है कि रोमन रेंस WWE इतिहास के कितने बड़े विलन हैं और उनकी काबिलियत की झलक भी जॉन सीना के इस बयान से साफ साफ नज़र आती है। तो गाइज, जॉन सीना और रोमन रेंस के बीच पहले जो कुछ भी हुआ उन सब चीज़ों के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि जॉन सीना ने मनी इन द बैंक पेपरव्यू में वापसी करते हुए रोमन रेंस को चैलेंज किया। फिर उन्होंने फिन बेलर की अपॉर्चुनिटी को चुराते हुए रोमन रेंस के खिलाफ समर स्लैम 2021 में मुकाबला हासिल किया और इनकी स्टोरी लाइन के बीच शानदार प्रोमो भी देखने को मिले थे। फाइनली समर स्लैम में इनके बीच शानदार मुकाबला हुआ, जहां पर रोमन रेंस ने जॉन सीना को हरा दिया। वहीं ब्रोक लेसनर ने भी वापसी करते हुए जॉन सीना के ऊपर अटैक किया और उसके बाद से ही जॉन सीना अपने कामों में फिर से बिजी हो गए। लेकिन अब उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में हमें जॉन सीना की वापसी ज़रूर देखने को मिलेगी। तो गाइज, क्या है आपके ख्याल, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे कर दीजिएगा लाइक और शेयर। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।